इधर लाइट नहीं आया है। मैं कमेंट कर दूंगा और थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल क्लियरली? आवाज सुनाई दे रहा है क्लियरली? Thank you to everyone. तो आज हम जो कल से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है ना टर्बो मशीन्स का, उसके बारे में ओवरव्यू देखेंगे। कि हमें कौन सा कंटेंट कवर करना है इस पूरे सब्जेक्ट में, और कौन सी चीज़ें पढ़नी है, इसके एप्लीकेशंस क्या है रियल लाइफ में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो एक्चुअल टीचिंग है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो जो भी चीज़ें होने वाली है टर्बो मशीन्स में वो मैं आज बताऊंगा। तो आपको एक काम करना है, जो भी आपके दोस्त है, मैं आपको बताया था कि एक एक स्टूडेंट, दो दो स्टूडेंट को बताना है आपको। पहले पांच दिन जो होने वाले हैं, कल से स्टार्ट होगा सेशन, टाइमिंग होगा 6:30 PM to 8 PM। ठीक है, तो आपके दोस्त लोगों को बोलना है कि कम से कम पहले पाँच दिन फ्री है, पाँच दिन अटेंड कर लेना, अगर अच्छा लगता है तो फिर कंटिन्यू करना। ऐसा नहीं है कि अटेंड करने के बाद कंपलसरी फीस भर के करना ही है, लेकिन अगर चार पांच दिन करेंगे ना, वो चार पांच दिन अटेंड करेंगे लेक्चर, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग HT पढ़ के इधर आए हैं, उनको पता है कैसे पढ़ाया है। तो आपने क्या करना है कि आपके जो भी दोस्त लोग हैं, अब फोर्स नहीं करना किसी को, लेकिन सिर्फ बताना है कि ये तीन चार दिन जो फ्री के हैं, पाँच दिन फ्री है, तो पाँच दिन कंपल्सरी कर लेना लेक्चर। तो उसके बाद डिसाइड करना कि कंटिन्यू करना या नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपकी आपके ऊपर है। अभी मैंने आपको पहले पिछले बार भी बताया था कि आपके एक एक दोस्तों को बताओ, कम से कम एक दोस्त, एक बेस्ट फ्रेंड होता ही हर एक का। ठीक है, अब उन्हीं को ही जरूरत पड़ेगी इस सब्जेक्ट की। मैंने अभी भी बताया, मैंने हिट ट्रांसफर को भी आपको क्या बताया था कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है हमें। फीस भी देखो, आप बाहर आकर पढ़ोगे तो 4 to 5,000 फीस है। तो ये ना 10% की फीस ले रहे हैं, जो बाहर जो फीस देने वाले उसकी 10%। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो नोट्स मिल रहे हैं आपको वो हैंड रिटन नोट्स है। अब मैं आपको थोड़े नोट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, फर्स्ट यूनिट के थ्योरी नोट्स है, पूरी थ्योरी है इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, कैसे कैसे। अब नोट्स मैंने खुद से लिखे हैं, कोई भी डाउट होता है इसमें
तो पूरा हम सॉल्व भी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये नोट्स रीड करने में मज़ा आता है। अगर बुक लेके बैठोगे ना तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत सारा लिखा हुआ होता है, लेकिन आप हमें एक 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 ना एक वर्ड तो नहीं लिखना बुक में जो भी दिया है। तो मैंने जो दिया है नोट्स खुद बना रहे हैं, उसका एक बेनिफिट है कि इसको रीड करने में आपको मज़ा आएगा, बोर नहीं होगा, ठीक है। और हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, हर एक पॉइंट को क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम टर्बो मशीन्स में ना न्यूमेरिकल्स कितने देखने वाले। देखो हर एक यूनिट के 15 न्यूमेरिकल्स, मैंने एचटी में भी आखिरी 3 यूनिट में 45 न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं जो मैंने खुद ने सॉल्व किया है। तो इसमें भी हम एटलीस्ट 12 न्यूमेरिकल्स और मैक्सिमम 15 to 16, यानी एवरेज अगर लेंगे तो 15 न्यूमेरिकल्स हम इस सब्जेक्ट में देखने वाले, 15 न्यूमेरिकल्स पर यूनिट। तो कितने होते 15 न्यूमेरिकल्स पर यूनिट, तो 6 यूनिट के 90 न्यूमेरिकल्स हो रहे, ठीक है, 6 यूनिट के 80 to 90 न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व करोगे कोई भी सब्जेक्ट के, तो उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में 100% मिलने ही वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक ही काम करना है, आपके दोस्त लोगों को कल इन्वाइट करना है, कल एक लेक्चर को बुलाओ, उन्हें ये भी मत बोलो कि पाँच दिन फ्री है ये तो बताना ही, एक लेक्चर को बुलाओ, कल का लेक्चर करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होगा कि क्या है टर्बो मशीन्स। एक्चुअल कल और परसों दो दिन में जो बेसिक चीज़ें होती है ना टर्बो मशीन्स में, बेसिक टर्म्स जो होती है, उसे पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, जो पूरे यूनिट में लगने वाली बेसिक चीज़ें विथ यूनिट, उसके डायमेंशंस जो भी है बेसिक, पूरा यूनिट 55 आवर्स का पूरा लेक्चर है, पूरा सब्जेक्ट है, उसमें से हम 5 आवर्स भी देते हैं पूरा बेसिक के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आपके दोस्त लोग हैं उन्हें बुलाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आई थिंक यार जो भी दिख रहे हैं मुझे वो हीट ट्रांसफर में जो थे वो लोग ही हीट ट्रांसफर में थे आई थिंक। ओके तो आपके अभी यहाँ पे जो लोग हैं आने वाले, आपके दोस्त आने वाले होंगे आई थिंक, आप बहुत सारे लोग बोले थे कि हमारे भी दोस्त आने वाले, तो उनको एक बताना है कि ये जो 55 आवर्स का जो सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं उसमें न्यूमेरिकल्स हो गए, फिर तो होने वाले न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा परसेंटेज को आता है टर्बो मशीन में, जो 70 मार्क्स का होने वाला था फाइनल पेपर, उसमें 40 प्लस मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। और न्यूमेरिकल्स कैसे होते पता है आपको, बताता हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स इस ट्रायंगल पे ज़्यादा होते हैं। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, इसे कहते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल्स, इसे कहते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल समझने में ही बहुत सारे लोगों का सेमेस्टर चला जाता है। हर एक टर्बाइन में अलग अलग वेलोसिटी ट्रायंगल होता है, तो इसके लिए इसकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तैयारी कैसी, न्यूमेरिकल्स की तैयारी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आपको ना फिर दूसरा कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स और मैं जो न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ, और पिछले ईयर के 2 या 3 ईयर के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पेपर सॉल्व करना है, बाकी फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्लियर है। तो ये मैंने बताया, और उसके अब मैं सिंपली क्या क्या कर रहा हूँ, 5 मिनट में आपको बोर हो देता हूँ कि कितने यूनिट पढ़ लेंगे और यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो देखो देयर आर 6 यूनिट्स इन टर्बो मशीन्स। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ जेट, जो भी हम देखने वाले जेट इम्पैक्ट वगैरह वो सब कल से स्टार्ट होगा पहले यूनिट। तो ये 6 यूनिट है। टाइप्स ऑफ टर्बाइन है, हर एक टर्बाइन को अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया है इन्होंने। फिर आखिरी के दो जो है, एक पंप का यूनिट है और एक कंप्रेसर का यूनिट है, यानी ये भी एक टर्बो मशीन ही है। टर्बो मशीन यानी सिर्फ
टर्बाइन ही ऐसा नहीं है, तो सेंट्रिफ्यूगल पंप भी आता है टर्बो मशीन में, और सेंट्रिफ्यूगल एंड एक्सियल कंप्रेसर भी आता है टर्बो मशीन में। तो ये 6 यूनिट पढ़ने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर टर्बो मशीन क्या होता है, ये तो कल बताएंगे, लेकिन सिंपली मैं क्या बताता हूँ इसके एप्लीकेशन क्या है। तो अगर रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है तो इसे हम देख सकते हैं स्टीम पावर प्लांट में, फिर गैस टर्बाइन पावर प्लांट में, फिर वेरियस इंडस्ट्रीज यूज एज पंप्स, ब्लोअर्स, कंप्रेसर फॉर फ्लूइड हैंडलिंग सिस्टम, यानी फ्लूइड का ट्रांसफर करना है हमें तो पंप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका, जो भी अपने टर्बाइन से, टर्बाइन ही नहीं है सिर्फ, टर्बो मशीन बोल रहा हूँ, टर्बो मशीन में पंप भी आता है, ठीक है। फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी आता है। तो ये जो है ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो जो अप्लाइड फिजिक्स है ना, जो भी अप्लाइड फिजिक्स है जिसका एप्लीकेशन है टर्बो मशीन, उसे देखना है सर, वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वर्ल्ड वेलोसिटी क्या होती है, ये वेलोसिटी के टाइप है अलग अलग, ये नए नाम आएंगे आपके सामने, लेकिन इसको मैं इतने आसान भाषा में बताऊंगा कि ये कभी भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि वर्ल्ड वेलोसिटी एक नया कंसेप्ट आएगा, हमने वेलोसिटी पढ़ा हुआ होता है लेकिन वर्ल्ड वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, फ्लो वेलोसिटी क्या है, ये चीज़ें सब आती है। तो इस चीज़ इन सभी को हम ना अगले कल से जो भी 55 आवर्स का सेशन है उसमें पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपका जब ये पोर्शन कवर होगा, 50 to 55 आवर्स जब कवर होंगे तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे टर्बो मशीन्स के लिए जो नए लोग आएंगे उनको लगेगा कि और सर हमारा HT नहीं हुआ है, हम HT में नहीं थे, हमें HT भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट जनरेट होगा टर्बो मशीन्स में उसके हिसाब से आप बोलेंगे सर हमें दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके बारे में भी सोचो। तो ये मुझे 100% गारंटी है कि आपको ये अच्छा ही लगेगा सब्जेक्ट पढ़ने में। और ये एक्चुअल में हीट ट्रांसफर में भी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत बताए थे आपको, रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत बताए थे। और उधर ना थोड़ा इमेजिनेशन इमेजिन करना पड़ता था किधर हीट ट्रांसफर में, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई होती है, लेकिन एक्चुअल में हमें ये नहीं पता होता कि ये इसका एप्लीकेशन है या ऐसे काम करता है, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने रियल लाइफ में देखे हुए होते हैं। अब आपने पंप देखा है, लेकिन बहुत सारे लोग पंप को मोटर ही कह देते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पंप को मोटर कह देते थे, उसके बीच में डिफरेंस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे आप। तो अगली बार से आप पंप को पंप ही कहेंगे, मोटर को मोटर ही कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो फीस के बारे में भी सिंपल है, देखो 5555 ऐसा फीस है, यानी 555 रुपीज, जो कि 10% ही होने वाला है, जो बाहर जो 5000 देने हैं बाद में, तो उसके हिसाब से ये 10% है। और 55 आवर्स बाहर, देखो सिंपल सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, हफ्ते में 3 दिन क्लास होता है, हफ्ते में 3 दिन क्लास अगर आप क्लास लगाओगे कहाँ भी, और 1 घंटे का क्लास 3 दिन, 3 घंटे यानी हफ्ते में 3 ही घंटे मिल रहे हैं, और कितना कितने हफ्ते चलता है क्लास मुझे भी पता है, ठीक है। तो हम कंपेरिजन तो नहीं बता रहे, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है, फीस का कंपेरिजन तो आपको बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम 10% फीस में ही आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अगर 5000 फीस है और ये 500 है, तो 10% के फीस में ही आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ने मिल रहा है। और बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप कमेंट जब करते हैं तो हर एक कमेंट का आंसर मैं दिया है अभी तक, हीट ट्रांसफर में भी आप देखा होगा। अब टर्बो मशीन्स के लिए जो नए लोग आएंगे उनको भी बताता हूँ कि आप जब भी कोई डाउट आता है कमेंट में अगर लिखेंगे ना डाउट, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि दूसरे लोगों को आता है और आपको नहीं आता, लेकिन आपने कमेंट किया तो मैं छोड़ दिया क्योंकि बाकी लोगों को आता है, ऐसा नहीं। फिर से रिवाइज होगा पूरा कंसेप्ट, अगर नहीं समझ में आता है, किसी का सेशन मिस होता है, तो दूसरे दिन पहले 10 मिनट जो होंगे उसमें फिर से रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये सर मेरा एक चैप्टर पूरा मिस हुआ है तो अब मैं क्या करूँ, तो वो भी हम क्या करते हैं 10 मिनट पहले जो है उसमें जो भी पिछले दिन हुआ है उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कल से स्टार्ट करना है, तो स्टूडेंट की अब यहाँ पे तो 20 to 21 स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे, लेकिन इतने में तो काम नहीं होगा, थोड़े स्टूडेंट्स की हमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, स्टूडेंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें स्टूडेंट्स का ही बेनिफिट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इजी नहीं है आपको देखने में, ये जो देख रहा है ना ये तो बेसिक वाला वेलोसिटी ट्रायंगल, मैं डर नहीं पैदा कर रहा आपके इसमें, लेकिन सिंपल सी चीज़ है,
डिफिकल्ट है सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट में, क्योंकि ये चीज़ें पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए आपको ये नहीं करना, उन दोस्त लोगों को ये नहीं बोलना कि आपको करना ही कंपलसरी, उन्हें एक बोलो दो दिन का फ्री सेशन कर लो, फ्री सेशन तो 5 दिन है लेकिन 2 दिन कर लो, फिर बाद में उनका डिसाइड यानी उन्हीं पे छोड़ दो कि आपको क्या करना है, करना है कंटिन्यू करो, अदरवाइज में करना मत करो, ठीक है। तो यही बताना था, तो कमेंट में आपके कोई डाउट्स हो गए तो पूछना जल्दी से, जो भी किसी के डाउट हो गए तो कमेंट में पूछो। और एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे ही यूनिट खत्म होगा ना एक यूनिट, तो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसकी एक अलग से पीडीएफ अपलोड करके उसे भी डिस्कस किया जाए, तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी सर इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे, सपोज ये टॉपिक है, अभी सपोज ये टॉपिक है, देखो इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट और अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व। अब क्या है, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये तो हमें डायरेक्टली कहाँ पर मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक यूनिट खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ अपलोड करूँगा, उस हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, यानी वो भी एक जो डिफिकल्टी थी पिछले बार पूछ रहे थे कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते, तो वो भी इधर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब ना कमेंट में आप कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और कल शेड्यूल क्या है, 6:30 PM to 8 PM, जो लोग जॉब करते हैं उनके उनके लिए हमने टाइमिंग चेंज किया है, नहीं तो हमारा टाइमिंग सुबह था 8:30 to 10 का, लेकिन जो जॉब करते हैं उनका भी लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इस टाइम को फिर। अब ना कमेंट में बताओ अगर कोई डाउट है, और जो लोग जॉब करते जो बोल रहे थे वो है क्या अभी अवेलेबल इधर, आई थिंक रिकॉर्डेड लेक्चर्स वेद पूछ रहे हैं। वेद अभी टाइम तो ठीक है ना, 6:30 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तो कमेंट में पूछ लेना जो डाउट से, सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों को ये बताना है कि ये क्लास चालू हो गया है और मैंने HT पढ़ा है तो मुझे उसका बेनिफिट हुआ है, अगर हुआ है आपको तो बाकी का ना वो देख लेगा, अगर उसे अच्छा लगता है तो वो करेगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर वो आ नहीं रहे, सिंपल सी एक चीज़ है, कभी कभी क्या होता है ना उनके तक ये न्यूज़ जाती, न्यूज़ यानी ये बात जाती नहीं कि यहाँ पे क्लास शुरू हुआ है और इतने कम फीस में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है 55 आवर्स के लिए। सिर्फ आपको ये बताना है कि देखो ये इधर हो रहा है, आप फ्री सेशंस है, पहले 3-4 दिन देख सकते हैं, अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लेना, ये सिर्फ बात आपको बताना। तो आप करोगे ये बात, ये मुझे पता है आप आपके दोस्तों को बताओगे, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है नोट्स के बारे में कि पिछले बार के नोट्स का अभी कुछ चेंज करना है वगैरह, ऐसे कुछ चीज़ें है तो बता देना जल्दी से कमेंट में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे कवर किए हैं, इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, 15 न्यूमेरिकल्स पकड़ लो एक यूनिट के, तो 80 to 90 न्यूमेरिकल्स मैं खुद सॉल्व करूँगा, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर सिंगल सब्जेक्ट, 80 to 90 न्यूमेरिकल्स। प्रॉब्लम क्या होती है, अब लोगों को पढ़ना ज़रा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यही जब एग्जाम्स के दिन होते हैं ना, जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा तो फिर उन्हें क्या लगेगा यार पढ़ा हुआ तो अच्छा होगा, फिर वो क्या बोलते हैं सर क्रैश कोर्स लो, फिर 20-25 आवर में इतना ध्यान नहीं दे सकते हम अभी जो होने वाला है, फीस तो उतनी देनी पड़ती है बाद में। तो एक चीज़ अच्छी है कि अभी अच्छे से पढ़ लो, पूरे पॉइंट क्लियर हो गए, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। चलो फिर, थैंक यू टू एवरीवन।
कोई डाउट्स होगे तो पूछ लो जल्दी से, नहीं तो कल 6:30 PM को मिलते हैं, ठीक है। और मैं ये तो कह सकता हूँ कि इधर जो भी लोग आए हैं अभी वो उधर होंगे, कल का जो सेशन होने वाला है हमारा उसमें ये सब लोग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बताओ फिर आपके दोस्त लोगों को, एक एक दोस्त को बताओ, देखो आज 20 स्टूडेंट है तो कल 40 होंगे तो ठीक है, ठीक है। एक एक दोस्त को बताना है सिर्फ, बाकी का वो सोच लेगा दो तीन दिन में लेक्चर करके कि करना या नहीं करना, क्योंकि इतने कम फीस में कोई नहीं पढ़ाएगा बाद में। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जो लोग अब मिस करेंगे वो उन्हें क्या लगेगा कि यार मिस किया भी आने में, क्योंकि वो फिर जब एग्जाम नजदीक आ रहे थे ना तो बोलेंगे सर ले लो, लेकिन तब हमारे पास इतना टाइम नहीं, जिस तो उनके खुद के पास भी इतना टाइम नहीं होता, फिर क्या बोलते हैं वो क्रैश कोर्स दे रहे, तो फीस तो इतनी लेंगे लेकिन फिर अवर्स क्या होगा, 50% अवर्स रिड्यूस होगी डायरेक्टली। न्यूमेरिकल्स 15 लेते हैं तो 7 ही न्यूमेरिकल होंगे, तो इसमें ना पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए आपको बेनिफिशियल है वो, ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन, कल 6:30 PM शार्प हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन होगा कल और बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन होगी, जो भी नए लोग हैं उनके लिए कल मैं क्या करूँगा, डायमेंशंस और यूनिट इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। चलो थैंक यू टू एवरीवन। हाँ तो बहुत सारे लोग EHT के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम EHT का ना ये टर्बो मशीन पे हम कॉन्सेंट्रेशन देना है आपको, टर्बो मशीन अच्छे से पढ़ना है, फिर बाद में देख लेंगे इसके लिए, ठीक है। प्रतीक ने पूछा था शायद से, तो बाद में हो जाएगा वो भी, पहले ये सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट में से क्या है, जरा इसे ज़्यादा वेटेज देना है, ज़्यादा टाइम देना है इसे पढ़ने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नए कंसेप्ट है, अलग अलग कंसेप्ट है, वेलोसिटी ट्रायंगल्स वगैरह चीज़ें हैं, तो इसे पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ये हो गया ना, तो EHT ईजी है इससे, HT ये सब्जेक्ट थोड़ा ईजी है इससे, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो थैंक यू टू एवरीवन, कल मिलेंगे अगली।